हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक रील अपलोड किया था जिसमें मैंने कि लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज किया बताया था आपको, क्या होता है, कैसे दिखता है, क्योंकि वो डीएम्स आए थे इसीलिए। तो उसमें एक और चीज़ आई है कि चिपकता कैसे है। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि लाइक्रा जो फ्यूजिंग होता है, ये एक चिपकने वाली फैब्रिक जैसा होता है, क्योंकि इसको हम चिपकाते हैं हमारे मेन फैब्रिक पे। कोई भी हमारा ऐसा फैब्रिक हो जिसमें हमें बहुत अच्छी फिनिशिंग देना है। अब ये है ना कि बुटीक्स में हमारे जो ब्लाउजेज होते हैं बहुत कॉस्टली स्टिच होते हैं, और क्लाइंट के लिए हम ये प्रेफर करते हैं कि बहुत अच्छी फिनिशिंग उनको मिले ब्लाउज में, क्लाइंट मतलब एक बार में ही खुश हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे लाइक्रा फ्यूजिंग। तो लाइक्रा फ्यूजिंग, फ्यूजिंग के नाम से हो रहा है कि चिपकने वाला चीज़ है। जो भी चीज़ के पीछे फ्यूजिंग आ रहा है समझ लीजिए वो चिपकता ही है। तो दो कलर्स में अवेलेबल है जो हमारा लाइक्रा फ्यूजिंग है, ये एक वाइट कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो वाइट कलर में भी सेम होता है, डॉट्स पीछे होते हैं, देखो तो पतला सा है, लाइक्रा फैब्रिक ही है, उसके ऊपर हमें चिपकने का वो मिला है। अरे तुम क्यों हिल रहे हो? तो चिपकने का मिलता है इसमें, डॉट डॉट्स बने होते हैं वाइट कलर के ही। तो वाइट में वाइट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ हाथ लगाने पर पता चलता है कि इसमें है, और ब्लैक वाले में आपको देखने को मिल जाएगा डॉट डॉट। तो मैं बताती हूँ, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है ना, मतलब बहुत सारे कपड़े को मैं एक साथ इकट्ठा करके लूंगी ना तो दिखेगा। ये देखिए वाइट वाइट है एकदम, और हाथ लगाने पर महसूस भी होगा कि इसमें कुछ उभार उभार सा है। तो यही इसका चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम प्रेस की हेल्प से चिपकाते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही गर्म प्रेस रखा जाएगा तो ये चिपक जाएगा दूसरे फैब्रिक के साथ। तो हम इस तरह से हमारे जो ब्लाउजेज होते हैं उनको फिनिशिंग देते हैं। अगर आपके पास ऐसा कलर का फैब्रिक है जो कि लाइट कलर में है तो हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे, डार्क कलर्स में है तो हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं। और हमारे क्या होता है कि आजकल के जो फैब्रिक्स आते हैं क्लाइंट के ब्लाउज स्टिच होने के लिए, जिसमें कि फैब्रिक ही बहुत पतला आता है, तो हम इस तरह से फिनिशिंग देने के लिए यूज करते हैं हमारा लाइक्रा फ्यूजिंग का, जो कि कपड़े जैसा है तो ये खराब भी नहीं होता है, और इसमें आपको बहुत अच्छी वाली फिनिशिंग मिलती है, क्योंकि मैं आपका जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको ऐसा यूज करना हो कि आपको पैड लगाना है, तो या तो डबल अस्तर लगाओगे आप, अगर आपके पास लाइक्रा फ्यूजिंग नहीं है तो डबल अस्तर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन फैब्रिक पतला है, फिर वो पैड दिखेगा। तो अगर आप ये यूज करते हो तो फिर पैड नहीं दिखता है। जैसे कि आपको इसमें भी दो वैरायटी होती है, एक पतला वाला आता है, ये बहुत पतला वाला है, तो मैं इसको यूज करती हूँ ब्रोकेट वाली फैब्रिक्स पे। ये मोटा फैब्रिक है मेरे पास, इसमें फिनिशिंग देना है मुझे ब्लाउज में, तो मैंने इसमें चिपकाया, इस तरह से इसको चिपका लिया है। अगर आपको पतले वाले फैब्रिक पे यूज करना हो तो इससे भी थोड़ा मोटा आता है लाइक्रा फ्यूजिंग, आप उसको यूज कर सकते हो। तो जो मोटा वाला है ना, तो मुझे अवेलेबल नहीं मिला अभी, मैं गई थी अभी हाल ही में लेने के लिए, तो मुझे मोटा वाला नहीं मिला था दिखाने के लिए आप लोगों को, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मेरा तो वैसे यही यूज होता है, इतना ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं किसी भी टाइप के फैब्रिक को, थोड़ा पतला भी हो मैं फिर भी यूज कर लेती हूँ। ये दिखता नहीं है, पहली बात तो ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ अलग से लगाया हुआ है, क्योंकि डार्क कलर के फैब्रिक में ये ब्लैक कलर चल जाता है, कुछ नहीं पता चलता, और जो व्हाइट कलर है वो नॉर्मल लाइट कलर के फैब्रिक पे चल जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो और अपने ब्लाउजेस को और भी ज्यादा फिनिशिंग दे सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको चिपकाना कैसे होता है, कैसे हम इसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे कि हमारा फैब्रिक एकदम बहुत अच्छा दिखेगा। चलिए चिपकाना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है। तो जितना भी आपका यूज होगा कपड़ा ब्लाउज के लिए या कुछ भी चीज बना रहे हो उसके लिए, तो प्रेस भी मैंने गर्म कर लिया है, तो उतना आपको कपड़ा लेना है, और उसके साथ उतना ही आपको जो ये लाइक्रा फैब्रिक है ना, लाइक्रा फ्यूजिंग, उसको कट कर लेना है। ठीक है, तो जो हमारा मेन फैब्रिक है, एक बार हमने मेन फैब्रिक को भी प्रेस कर लेंगे, और उल्टे साइड से भी प्रेस कर लेंगे ताकि कोई क्रीज ना रहे, कुछ भी सलवटे ना रहे, क्योंकि सल रह जाएगा ना तो फिर वो फैब्रिक पे अच्छे से चिपक नहीं पाएगा जो हमारा लाइक्रा फ्यूजिंग है। अब देखो लाइक्रा फ्यूजिंग को ये देखना है कि डॉट डॉट किधर की साइड है और प्लेन किधर की साइड है। तो जैसे ही आप हाथ लगाओगे आपको दिखेगा, ठीक है, कैमरे का मैं नहीं बता सकती कितना दिख रहा है, लेकिन जब हाथ में फील करोगे ना तो दिखेगा। जैसे कि देखो मेरा ये मस्तर पे रख के दिखाती हूँ, तो ये दिख रहा है हमारा, है ना। तो इधर हमारा ये वाइट वाइट है डॉट्स, तो यही चिपकेगा चिपकेगा इसके साथ। तो हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक के ऊपर जिधर ये डॉट डॉट वाला साइड है उस साइड को इस तरह से हमको बिछाना है, ठीक है, इस तरह से।
और प्रेस अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आपके पास स्टीम प्रेस है तो और अच्छा है, वो एकदम से चिपक जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने लाइक्रा फ्यूजिंग को ऊपर बिछा दिया। अब बस आप गरम गरम प्रेस को इस तरह से सेट कर दीजिए, इसके ऊपर ऐसे चिपकाइए थोड़ा धीरे धीरे, सल नहीं पड़ना चाहिए, आराम आराम से आपको सरकाते हुए चिपकाना है इसको। जैसे ही आप प्रेस करोगे धीरे धीरे ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, गरम होगा और इसका जो चिपचिपा गम है इसमें चिपका हुआ वो छूटने लगेगा, वो पिघलेगा, और जैसे वो पिघलेगा तो वो आपके फैब्रिक पे चिपक जाएगा। बस इस तरह से आपको धीरे धीरे चिपकाना है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपका प्रेस है स्टीम वाला तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, एकदम से चिपका। देखो चिपक गया ये, एक बार सीधे साइड से भी हम प्रेस कर देंगे। हाँ, प्रेस को गर्म उतना ही करना जितना आपका फैब्रिक सही, ऐसा नहीं हो कि देखो उधर के साथ चिपचिपा था ना, कितना जल्दी चिपक गया, एकदम बॉर्डर बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ठीक है, इधर से अगर मैं इधर से निकालूँ इसको तो देखो ये कपड़े को अब खराब कर रहा है, ये चिपक गया है ना, ठीक है, ये नहीं छूटेगा। अगर मैं छुड़ाऊंगी ना जोर से तो ये कपड़ा मेरा खराब हो जाएगा, लेकिन ये चिपक गया है, देखो इस तरह से ये चिपक जाता है और हमारा कपड़ा एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया। अब इस कपड़े से आप कुछ भी बनाओ, ठीक है, जैसा भी मैंने कहा कि एक मोटा वाला भी आता है, एक ये पतला वाला है, जैसा भी आपको ठीक लगे परचेज कर सकते हो शॉपकीपर से बात करके कि आपके पास कौन सा है और आपका फैब्रिक कैसा है। जैसे कि आपके पास पतला हो फैब्रिक तो आप थोड़ा मोटा वाला भी यूज कर सकते हो। और ये क्योंकि ये लाइक्रा है, ठीक है, और फैब्रिक जैसा है तो इसको वॉश करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी भी गलती से ना एक और कमेंट आया था मुझे, डीएम आया था, है ना, कि पेपर पेस्टिंग जो आती है ना वो चिपकाने का, लेकिन पेपर पेस्टिंग नहीं चिपकानी है, वो पेपर होता है, आप उसको वॉश करोगे ना रुआ रुआ निकलने लगेगा, ठीक है, वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करने के लिए या फिर हम लोग नेक को फिनिशिंग देने के लिए करते हैं जो कि हमारे फैब्रिक के अंदर होता है। लेकिन ये जो होता है ना ये वॉश करने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि कपड़े कपड़ा है तो कपड़े के जैसा मुड़ जाएगा, लेकिन पेपर पेस्टिंग कपड़े जैसा नहीं मुड़ता। जैसे आप इसको ऐसे मोड़ोगे ना तो यहाँ पे उस फटने लगेगा, मतलब अजीब अजीब से हो जाएगा, और ये क्योंकि ये फैब्रिक ही है तो इसको कोई असर नहीं होगा और ये आपके नॉर्मल फैब्रिक जैसा हो जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ के चिपकाना आपको कैसे है, तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। और एक बार ज़रूर बनाना, अगर आप बनाते हो तो ये भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं करते हो ना, अगर करने वाले हो तो वो भी मुझे बताना कि आप किस पे यूज़ करने वाले, अपने ब्लाउज में या कोई और ड्रेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके स्क्रीन पर और भी दो तीन वीडियोज़ आ रहे हैं, उनको भी देख लीजिए जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट हो सके और आपको भी नॉलेज मिलेगा।